एयरटेल ब्रॉडबैंड में आपके कितने डिवाइस कनेक्टेड है कैसे पता करें। दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को देख लेते हो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं जो तरीका बताने वाला हूं आपको एक से दो इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके आपको खुद पता कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से ही कि वो डिवाइस कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है। तो आइए चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एयरटेल का सारा डिवाइस जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वो देखने के लिए आपको अपना एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, आप उसको सिंपल सा ओपन कर लीजिएगा। तो ओपन करने के बाद देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस शो होने लगता है। आपको क्या करना होगा, सिंपल सा एकदम स्क्रॉल करके नीचे चले जाना होगा। तो स्क्रॉल करके आप जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिएगा एक सेटिंग आता है माई वाईफाई का, जैसे न्यू में देख रहा है यहाँ पे देख रहा है माई वाईफाई। अब इस पर आपको सिंपल सा टैप कर लेना होगा। तो माई वाईफाई पर आप जैसे ही जाइएगा यहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल आप सर्च करने रहेगा, फाइंड करने रहेगा, आपका जो भी है राउटर है सेटिंग है जो भी कुछ है आपका डिटेल आपका फाइंड करेगा माई वाईफाई में जाके। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका जो भी डिवाइस जितने भी डिवाइस कनेक्टेड यहाँ पे आपको दिखने लग रहा है डिवाइसेस में। यहाँ पे देखिए चार डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो जब डिवाइस में जाता हूँ कितने डिवाइस कनेक्टेड है और वो कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे डिवाइस में गया यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरे यहाँ पे चार डिवाइस कनेक्टेड है। यहाँ पे दो फोन है, एक मेरा टीवी है, यानी कि चार टोटल मिला के चार फोन यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा भी समझ में आया दोस्तों यार वीडियो में इतना देर तक बने हो तो एक इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही में अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।